अब फैसला किया कि हर सोमवार को सुबह 11 बजे सभी प्रदेश के सेक्रेटरी से जब मैं शिमला होऊंगा तो बैठक करूंगा। अभी तकरीबन 4 घंटे हमारी मीटिंग चली, सभी विभागों की समीक्षा की गई और जो आपदा से नुकसान हुआ उसके बारे में चर्चा हुई और कुछ और एक चीज़ें हैं कि कैसे हमने आम आदमी जो इस आपदा से प्रभावित हुआ है, जिसका घर टूट चुका है, जिसका घर पूरी तरह बह चुका है, जिसके पशु घर के नीचे दब गए हैं, लैंडस्लाइड्स में दब गए हैं, जिसके घर में सिल्ट घुस गई है, जिनकी फसलें बर्बाद हो गई है, उस बारे में सब कुछ विस्तृत चर्चा हुई। हम ये आश्वासन हिमाचल के सभी लोगों को जो प्रभावित है, हमारी सरकार एक एक आदमी को सरकार के जो आर्थिक साधन है, जो सीमित साधन है, उनसे उनको मदद करवाएगी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर जी का, उन्होंने भी हिमाचल सरकार को 15 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है और निश्चित तौर से जो भी आर्थिक सहायता का एक एक पैसा है या आपदा प्रभावित परिवारों को मिलेगा। प्रशासनिक जो सेक्रेटरीज है उनके साथ हर मंडे को बैठक होगी, प्रदेश के विकास के संबंधित भी है, कुछ एक रिफॉर्म्स भी हम करने जा रहे हैं। मैंने कहा था ना कि हम व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास कर रहे हैं, उस व्यवस्था परिवर्तन में कई चीज़ें आ रही हैं, पर सब होगा कि कितना हमें काम करना है, किस चीज़ में हमने पैसा लगाना है। कई योजनाएं हैं, उसका एक कंसेप्ट पेपर तैयार हो रहा है कि हिमाचल अगले 4 साल में कैसे अपने पांव पर खड़ा हो। मेरी बैठकें इसी दृष्टिकोण से हो रही है।